देश के जननायक और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, प्रोक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, प्रोफेसर अनंत मिश्र, प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, डॉक्टर हर्ष सिन्हा, डॉक्टर छाया रानी, डॉक्टर दिव्या रानी, प्रोफेसर राजेश शुक्ला सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाओं और उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा को शुरू करें। अब मैं अपने सभी सहकर्मी बंधुओं से आग्रह करता हूँ विक्रमवार शिक्षक बंधुओं, कर्मचारी, छात्र छात्राओं, उनमें थी जो सामने वालों को भी अभिप्रेरित करती थी। देशभक्त की प्रबल भावना, राष्ट्रप्रेमी, इंद्रधनुषी जीवन, लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी विराट पूजा की दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देवता विद्या का अमर दान, मैं अखिल विश्व का हिंदू महान देवता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने से खटका सहे। मेरा स्वर्णम में गहर गहर सागर के जल में चहल चहल, उस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जबकि सौरभ में हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज कुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, मैं तेज कुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश का चाह है इसका विकास, शरणागत की रक्षा की मैंने, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं आता यदि तो साक्षी है इतिहास अमर। पूरा किए प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे थे जी, कई पार्टियों के वैचारिकी का सामंजस्य करने वाले उसमें उनमें अद्भुत गुण था।
एक सफल राजनेता और एक संवेदनशील कवि थे। वह आज सशरीर हमारे बीच में नहीं है, परंतु अपने विचारों और कृतित्व के कारण सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे। कल राजनीति के शिखर पुरुष को जिस प्रकार अलग अलग राजनीतिक वैचारिकी और दलीय पहचान से ऊपर उठकर लोगों ने अंतिम विदाई दी, वह उनकी लोकप्रियता और सभी को स्वीकार जन नायक की छवि का दर्शाया। मृत्यु एक अटल सत्य है। अटल जी इसके पार इसे पार न पा सके, लेकिन जैसे ही काल है कपाल पर लिखता मुंह मिटाता हूं, पंक्तियां याद आती हैं तो लगता है जैसे अटल जी ने अपनी कविता के शब्दों को अपने अंतिम समय के संघर्ष के लिए प्रयोगा था। मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूट से क्यों डरूं। कई बार अटल जी की कविताएं सीधे काल से बोल लिखी गई हैं। आत्मा के अमृत की सनातन अवधारणा को उन्होंने अपने ही लिखे पंक्तियों में स्वीकार किया था। मौत की उम्र क्या है? दो पल भी नहीं। जिंदगी से चला आजकल की नहीं। कृतज्ञ राष्ट्र अपने प्रिय राजनेता के महाप्रयाण को लेकर विभिन्न रूपों में संवेदना व्यक्त कर रहा है। ये सच है, अब श्रद्धेय अटल जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने विचारों के माध्यम से हमेशा के लिए अमृत को प्रदान कर प्राप्त कर लेते हैं। अटल जी ने भारत की राजनीति को एक नए तरीके से देखा, समझा और दिशा दिया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो चार अलग अलग राज्यों से अनेक बार चुनकर के संसद पहुंचे। अटल जी का 27 मई 1996 को विश्वास मत के दौरान उनका उद्बोधन था कि मैं अभी प्रधानमंत्री हूं, कुछ देर में नहीं रहूंगा, लेकिन इससे मेरे मन को कोई पीड़ा नहीं, कोई शोक नहीं, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनके इस शब्दों ने निसंदेह देश के नेताओं को एक नए तरीके के राजनीतिक सामाजिकरण के लिए आगाह किया था। 4 अक्टूबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र में अपने उद्बोधन जो उन्होंने हिंदी में किया था, उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से ही हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आप आदि की प्रतिबद्धता और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। हर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील है। यह पूरे विश्व समाज में सभी के साथ न्याय हो, इस संबंध में उनकी महत्वपूर्ण विचार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा उन्होंने स्वतंत्रता की 91वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1998 को दिया था। देश की तरक्की में विज्ञान की सशक्त भूमिका को उन्होंने इस नारे के माध्यम से रेखांकित किया। उनकी गिनती उन राजनेताओं में की जाएगी जिन्होंने शिखर पाने के बाद भी रचनात्मकता तो नहीं छोड़ा।